7 दिसंबर को होगा कांग्रेस का बूथ स्तरीय सम्मेलन। प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट लेंगे भाग। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए जुटे शहर के कांग्रेस नेता। अजमेर लोकसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस के बूथ स्तरीय सम्मेलन की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। इसी क्रम में 7 दिसंबर को बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं का बड़ा सम्मेलन होगा। सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट सहित राजस्थान के कांग्रेस के परिवार प्रभारी अविनाश पांडे भाग लेंगे। बूथ स्तरीय सम्मेलन को सफल बनाने के लिए शहर कांग्रेस की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में ब्लॉक और वार्ड स्तर के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी गई। देखिए, हम लोगों ने यहाँ आगामी जो बाई इलेक्शन या सांसद का चुनाव होना है संसदीय क्षेत्र का, उसको लेकर हमने यहाँ पे एक सम्मेलन आयोजित किया है 7 तारीख को बूथ कमेटी का। तो उसी संदर्भ में जो यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं और जो प्रभारी हैं ब्लॉक के संदर्भ में जो नियुक्त हुए हैं, उनसे विस्तृत चर्चा की और उसको उसमें हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और समस्त जो सचिवगण हैं वो आएंगे और प्रदेश अध्यक्ष उसमें सम्मिलित होंगे। तो ये कहा जाए कि ये उसका आगाज़ है जो संसदीय चुनाव होना है और जो उसके संदर्भ में जो अभी तक तैयारियाँ हुई हैं उसको एक स्वरूप दिया जाना है 7 तारीख को। किस तरीके से ब्लॉक जो बूथ का जो पदाधिकारी या अध्यक्ष बूथ का जो कार्यकर्ता है उसके साथ संवाद स्थापित किया जाएगा कि किस तरीके से जो आगामी जो राजनीतिक लड़ाई है उसको हम सफलतापूर्वक उस लड़ाई को लड़ सकें और उसमें सफल हों, क्योंकि हमारा ये मानना है कि ये चुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण है। आज यही कारण है कि चुनाव आयोग ने जो कि जिसपे कि उंगली उठाना तो शायद उपयुक्त नहीं होगा, पर लेकिन जिस तरीके से इस चुनाव को गुजरात के चुनाव से नहीं जोड़ा गया तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे भी कहीं ना कहीं नियत साफ़ नहीं है। जो लोग शासन में बैठे हैं या जो नीति निर्धारक हैं और उन्हें ये चीज़ का आभास है कि ये हवा जो राजनीतिक यहाँ चल रही है, चाहे वो अजमेर की बात हो, चाहे वो अलवर की बात हो, चाहे वो मंडलगढ़ भीलवाड़ा की बात हो, कि इन विधान और राजस्थान में जो राजनीतिक हवा है वो उन लोगों के विपरीत है। तो एक एक कदम वो लोग बहरहाल फूक कर उठाने का प्रयास कर रहे हैं और जो शासन तंत्र को अपने हित में, अपने स्वार्थ में, उसको जिसकी निष्पक्षता आम जनमानस में होती है उसकी निष्पक्षता को प्रभावित कर रहे हैं। मेरा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव, राजस्थान के हमारे प्रभारी सचिव विवेक बंसल साहब के यहाँ उपस्थिति के अंदर एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसके अंदर हमारे सभी वरिष्ठ कांग्रेसजनों ने भाग लिया और इसमें मुख्य रूप से हमारे यहाँ जो है आगामी 7 दिसंबर को एक बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। इसकी तैयारियों के संदर्भ में पूर्व विधायक, ब्लॉक अध्यक्ष, अग्रिम संगठन के अध्यक्षगण, पूर्व मंत्री और यहाँ हमारे जो प्रभारी लगाए हुए हैं ब्लॉकों में, उन सबको यहाँ आमंत्रित किया था। विधानसभा और ब्लॉकों में प्रभारी लगाए, उनके साथ बैठक करके उन्होंने चर्चा की और उसमें आगामी 7 तारीख को 11 बजे सुबह कार्यक्रम होने जा रहा है। इसके अंदर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय सचिन पायलट साहब, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे महामंत्री, राजस्थान के प्रभारी अविनाश पांडे साहब और हमारे वरिष्ठ नेतागण इसमें शामिल होंगे। उसके अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कार्यकर्ता इस सम्मेलन में शामिल होंगे, इसके लिए उनकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक बैठक का मूर्ति का अनावरण एक अलग मैटर है। ये कार्यकर्ताओं मूर्ति के अनावरण के लिए मुझे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से अलग से वार्ता करनी पड़ी।